ये दुनिया कितनी बड़ी लगती है ना, लेकिन कभी कभार छोटी पड़ जाती है। अपनी इस जिंदगी में हम ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं। लोगों का क्या है, आते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ छोड़ जाते हैं। इंसान अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जीता है। हर तरह के जज्बात महसूस करता है। मोहब्बत, दोस्ती, खुशी, पछतावा, गम और नफरत। इंसान जब नफरत करता है तो चीख चीख कर बताता है, पर जब प्यार करता है तो कह ही नहीं पाता। प्यार का इजहार करना इतना मुश्किल क्यों होता है? जब किसी से मोहब्बत हो तो कह देना चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए। हमीद, कहाँ जा रहे हो बेटा? वो फार्म हाउस पे डैड, वो मैंने आपको बताया था ना, मेरा प्लान है दोस्तों के साथ, तो बस कुछ सामान लेते हुए जाना है, इसलिए जल्दी निकल रहा हूँ। फार्म हाउस पे आज डिले कर दो बेटा, बैठ के बातें करते हैं फिर चले जाना है। डैड, सारे दोस्त बहुत एक्साइटेड हैं, और आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं इतनी? मैं वहां अकेला थोड़ी ना होऊंगा। तो फिर महमूद को अपने साथ रख। डैड रिलैक्स, आप क्यों घबरा रहे हैं इतना? अच्छा, आई प्रॉमिस मैं अगले 2 दिन तक घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा। ओके? 2 दिन? मेरा ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हें कैद करना चाहते हैं बेटा। ठीक है, एनीवे एंजॉय योरसेल्फ। चल, ओके, आई विल गो, बाय बाय। मुझे यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है। तुम नहीं जानते अगर मैं यहां से गया नहीं तो क्या हो जाएगा? शाहिद, मुझे रायान पे नजर रखनी थी। मुझे आज हमीद के साथ जाना था। अगर हमीद को एक खराश भी आई तो तुम, मैं, माया, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। Ugh!
शाहिद, मेरी बात सुनो शाहिद, 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 शाहिद। माया, सारा ऑल गुड? हाँ, मुझे लगा माया आई है। क्या बात है सारा, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? I'm okay, don't worry. सारा बताओ क्या हुआ? It was Jaakir Hussain. What? उसने बाबा का मर्डर किया। सारा, so sorry. अच्छा बस बस बस। स्टाइल ठीक है तुम्हारा, पर्सनैलिटी वी कैन वर्क ऑन अ लिटिल, बट ये जो सारे इधर बातें कहेंगे ना, किसी की भी नहीं सुनने तुमने। ऑलवेज डू व्हाट यू वांट। माया कहाँ है? वो तो बाहर गई हुई कब से। बताई गई कहाँ गई? नहीं, बस यही बोला था कि रायान से मिलने जा रही हूँ, शायद उसके घर गई हूँ। माया किसी प्रॉब्लम में? पता नहीं समीर भाई, नो आइडिया। कौन है? मैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको बोला यहाँ पर मत आएं। आप फोन नहीं उठा रही हैं मेरा। शायद हमें रायान को ढूंढना होगा अभी। क्या करने वाला है वो? वो हमीद हुसैन को मारने जा रहे हैं। वो शाकिर हुसैन के घर गया होगा। मैं वहीं जा रही हूँ। हमीद अपने घर पे नहीं है। आप ऐसा करें, मैं आपको मालूम करके बताता हूँ, आप ऑफिस चले। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, प्लीज। खुदा का वास्ता मुझे मालूम करके बताने दे, मैं आपको फोन करता हूँ जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है। आप आए, ऑफिस आए, चले। ये चोट कैसी लगी बेटा? पिछली दफा तुम आए और पूछना ही भूल गया मैं। वो अब्बा हॉस्पिटल की सीढ़ियों से गिर गया था, अब तो ठीक हो गई है। हाँ, इस बार भी अकेले आ गए। इस बच्ची का अगर दूसरे शहर आना मुश्किल है तो फोन पे ही बात करवा दो कम से कम, या जब मुझे लाहौर लेके जाओगे तभी मिलवाओगे उससे। एक दिन आपको जरूर मिलवाऊंगा।
नाम क्या है जिसे तुम इतना पसंद करते? माया, उसका नाम माया है। माया यकीनन बहुत अच्छी होगी, तुम्हारी पसंद है ना? उस अच्छी लड़की का दिल कभी तोड़ना नहीं। मैं उसका दिल तोड़ चुका हूं अब्बा। बेटा माया, माया भी तुम्हें उतना ही पसंद करती है जितना तुम उसे करते हो। शायद अगर वो तुम्हें अब भी पसंद करती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो तुमने उसका दिल नहीं तोड़ा। क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो इतने? आपसे माफी मांगना चाहता हूं। किस बात की माफी बेटा? बेटा होने के फर्ज पूरे नहीं कर पाया मैं। नहीं बेटा नहीं, मुझे चाहिए था मैं आपका ख्याल रखूं, आपको अपने साथ रखूं। आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे सका आपा, वो सब कुछ नहीं दे सका जो मैं आपको देना चाहता था। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। बेटा हमने बहुत बुरे बुरे वक्त देखे और हर बुरे वक्त में तुम हमारी ताकत बने रहे। मुझे तो कोई शिकायत नहीं बेटा तुमसे, मैं तो बल्कि अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं कि हर बाप को तुम्हारा जैसा बेटा मिले, हर बहन को तुम्हारा जैसा भाई मिले। ये बात शायद मैं जिंदगी में पहले कभी तुमसे कह नहीं पाया। बहुत प्यार करता हूं बेटा तुमसे। शाहिद तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जी जाने दो। कहाँ जा रहा था तुम्हें अमित के साथ? तुम नहीं जानते इसका अंजाम क्या होगा, मुझे जाने दो। देखो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मुझे शाहिद ये क्या कर रहे थे? शाहिद रुको, शाहिद रुक या! कहाँ है अमित? जा रहे थे ना तुम उसके साथ कहीं? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो रायान हमीद को मारने जा रहा है। चलो बताओ कहाँ है अमित? मैं नहीं। हाँ नहीं, बोलो बोलो।
अब अपने फार्म हाउस कहाँ है वो फार्म हाउस? कहाँ है? बता दो। हाँ शायद बोलो। अच्छा प्लीज मुझे एड्रेस भेजो। हाँ हाँ बॉटल्स ले ली थी मैंने। तुम लोग पहुंच कितनी देर में रहे हो? जल्दी कर यार, मैं बस पहुंचने वाला हूं। चल जल्दी। ओके सॉरी यार, तुम्हारे दोस्तों को मैसेज करके बताना पड़ा कि पार्टी कैंसिल हो गई है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा।
कौन हो तुम? क्या 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 किया तुमने मेरे साथ? अब जोर की तो नहीं लगी? मैंने पूरी कोशिश की थी यार कि तुम्हें चोट ना आए, वरना मेरा काम आसान हो जाए। तुम हो कौन और घर के अंदर कैसे आए? शहबाज शहबाज बाहर गया है बर्फ लेने के लिए, नहीं आएगा। तुम जानते भी हो किसके किसके घर में हो? मेरे डैड छोड़ेंगे नहीं। टाइम्स अप। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मुझे मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? मेरी टांगे नहीं चल रही, क्या किया मेरे साथ? जानते हो क्या है, इसे कहते हैं सक्सनाइल कोलीन। जैसे इंसान की बॉडी में इंजेक्ट होता है, इंसान की पूरी बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। हाथ हिलाने की कोशिश करो। एग्जैक्टली, मसल काम करना छोड़ जाते हैं। और बोलो बोलो बोलो, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है और दिल की धड़कन स्लो हो जाती है। पर तुम फिक्र मत करो, बहुत छोटी डोज दी है तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें तड़पते हुए देखना चाह रहा था। कौन हो? मेरा नाम रायान है और मैं हानिया सुहेल का भाई हूं। वही हानिया सुहेल जिसका तुम चारों ने मिलकर कत्ल किया था, वही हानिया सुहेल जिसका तुम वही हानिया सुहेल जिसकी कोई गलती नहीं थी, वही हानिया सुहेल जिसकी लाश तुमने अस्पताल के बाहर लाकर फेंक दी थी। याद आया? याद आया? याद आया? याद कर, हानिया सुहेल को याद कर, याद कर। याद कर। आज तेरा भी वक्त आ गया है। Thank you.
रायान। प्लीज नहीं। नहीं कर पाया। मैं ऐसे नहीं मार पाया। तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हो रायान। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हानिया को इंसाफ मैं दिलाऊंगी। I promise. Please. तुम्हारी वजह से रुक गया मां। तुमने मुझे बदल दिया। मैं तुमसे वादा करती हूं। जल्दी करें।
Ryan, stay with me. You'll be fine. जल्दी करें प्लीज। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। Ryan, कुछ मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगे, I promise. जल्दी करें। इस बार तुम मुझे नहीं बचा सकती। प्लीज ऐसे मत बोलो राया। काश मैंने तुम्हारे साथ कुछ वक्त और गुजारा होता। वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं। जल्दी करें प्लीज, उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा है। Oh my God. Oh my God. तुमसे गुम हो गया था। Ryan, please, please stay with me. मैंने तुमसे बहुत बातें करनी है। Ryan. Thank you, Maya. मैं वादा याद रख जाऊँ। No, 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 no. Ryan, 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 wake up. किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी जब कुछ देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। लेकिन एक बात अच्छी है, अभी भी बुरे का अंजाम बुरा ही होता है इस दुनिया में। जाने वालों से सवाल रह जाते हैं, हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो भीड़ में खुश रहते हैं। शायद उन्हें अपना गम किसी को दिखाना नहीं होता। और कुछ सारी जिंदगी कोशिश करते हैं कि उनकी किस्मत बदल जाए। कौन कह सकता है कि ये लोग सही हैं या गलत। और कुछ ऐसे भी हैं जो मोहब्बत से नहीं डरते, लेकिन उसके लिए लड़ते हैं।
और वही लोग कामयाब हैं जो अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहते हैं। कुछ सफर मंजिलों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, ऐसे ही कहा करता था रायान। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बस आगे बढ़ना चाहिए। मैं माया मलिक ये वादा करती हूं कि हमेशा सच का साथ दूंगी। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।